हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पुष्पा डिज़ाइन पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज करेंगे हम कैन कैन की कटिंग और स्टिचिंग दोनों करेंगे। और यहाँ पर मैंने इनर स्कर्ट लिया है और यहाँ पर मैंने कैन कैन यह लिया है। ये मैंने दो लेयर हम लगाएंगे इनर स्कर्ट पर और ये पूरा ही कैन कैन हमारा 3.5 मीटर कैन कैन है। तो यहाँ पर मैंने इसकी जो लंबाई ली है, ये हमारा छोटा वाला है जो नीचे लगेगा, जो इसकी जो लंबाई है वो 12 है। और इसकी लंबाई है 17। तो हमारे दो लेयर हमारे बन गए हैं और इसको अब हम सीधा इनर स्कर्ट पे रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इनर स्कर्ट लिया है और इसको पहले हम ओपन कर लेंगे। तो ऐसे ओपन करते हुए यहाँ पर हम कैन कैन लगा लेंगे। तो नीचे से हमें 1 इंच छोड़ना है, 1 इंच हमें नीचे से छोड़ते हुए ऊपर हम कैन कैन रेडी करेंगे। तो बड़ी बड़ी फ्लिट्स लेंगे और यहाँ पर हम 1/2 इंच सिलाई मार्जिन कवर करते हुए इसको अच्छे से सिल देंगे। तो देखिए, बड़ी बड़ी फ्लिट्स लेनी है हमें 2-2 इंच की और अंदर की साइड हमें अच्छे से दबा देना है। जितना आप अंदर दबाएंगे कैन कैन को, उतना आपका अच्छा सा बाउंसर बनेगा नीचे से घेरा। तो यहाँ पर हमें 2-2 इंच की मैं फ्लिट्स ले रही हूँ अच्छे से। तो ऐसे हम बड़ी बड़ी फ्लिट्स ले लेंगे 2-2 इंच की और अच्छे से हमें कैन कैन को अंदर की तरफ मोड़ते हुए अच्छे से इसको स्टिच कर लेना है। और तो हम ऐसे ही पूरे घेरे पे लगा लेंगे कैन कैन को। नीचे हमें इनर स्कर्ट पर 1 इंच छोड़ना है नीचे से और इसको अच्छे से हमें पूरे घेरे पे ऐसे ही कैन कैन को रेडी कर लेंगे। बड़ी बड़ी फ्लिट्स लेंगे, अंदर की तरफ अच्छे से कैन कैन को दबा देंगे। तो ऐसे हम पूरे घेरे को रेडी कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पर एक लेयर लग गया है और यहाँ पर हम पक्का करके एक्स्ट्रा कैन कैन को कट कर लेंगे। तो देखिए, हमारा ये एक लेयर लग गया है अच्छे से कैन कैन का। अब हम सेकेंड लेयर लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम अच्छे से सेट कर लेंगे और सेकेंड कैन कैन हम लेंगे। और जो हमारा जो पहले वो मैंने लगाया था, वहाँ पर हमें लेंथ में रखना है कैन कैन को। नीचे जो कैन कैन है उसके लेंथ में रखना है और लेंथ में रखकर हम बड़ी बड़ी फ्लिट्स लेंगे यहाँ पर 2-2 इंच की और अच्छे से हमें अंदर कैन कैन को डालते हुए यहाँ पर पहले हम पक्का कर लेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें 2-2 इंच की बड़ी बड़ी चुनटें लेनी है और अंदर को कैन कैन को हमें अंदर की तरफ अच्छे से दबाते हुए यहाँ पर हम सेकेंड लेयर लगा लेंगे। तो सेकेंड लेयर जो कैन कैन है वो हमें जो फर्स्ट कैनवास लगाया था नीचे से, दोनों एक जैसे ही आए हाइट में,
तो ऐसे ही हम पूरे घेरे पे ऐसे ही लगाएंगे। तो ऐसे ही हम बड़ी बड़ी फ्लिट्स लेंगे 2-2 इंच की, और कैन कैन को अच्छे से हमें अंदर की तरफ अच्छे से दबाते हुए हमें इसको रेडी करेंगे। जितना आप कैन कैन को अंदर की तरफ दबाते हुए रेडी करेंगे उतना आपका घेरा बनेगा। तो ऐसे मैं पूरे रेडी कर लूँगी। तो सेकेंड लेयर हमारा लग गया है। अब हम यहाँ पर कट कर लेंगे और सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों को ऐसे पकड़ते हुए यहाँ पर हमें 3 इंच पे पक्का करते हुए सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम कैन कैन के ऊपर भी सिलाई लगाते हुए नीचे हम पक्का कर लेंगे। तो हमारी ये सिलाई लग गई है। तो देखिए हमारी ये कैन कैन की स्कर्ट बहुत ही अच्छे से हमारी रेडी हुई है। फिनिशिंग के साथ हमने डबल लेयर कैन कैन लगाया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।